जी तो दोस्तों आज क्या ना के आई फैक्टना के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वाइप के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे देखेंगे कि वर्ड वाइप के एज अ वर्ब तीन डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं और एज अ नाउन इसके दो डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं और किस सेंस में हम इंग्लिश में इसको इस वर्ड को यूज़ करते हैं इस परपज़ के लिए हम इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्ट लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वाइप का सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मीनिंग है एज अ वर्ब वो है पहुंचने के साफ करने के जिससे आप टावल से तौलिए से अपना मुंह पहुँचते हैं या आपने मुंह धोया तो मैं कहता हूँ कि अपना मुंह को साफ़ करो मुंह को पहुँचो किसी कपड़े से टॉवल से तो मैं कहूँगा वाइप योर फेस कि अपने कपड़े को सुखा लो पहुँच लो इसके अलावा दोस्तों वाइप उस मीनिंग में भी यूज़ होता है जब आपने जब कोई चीज़ हटानी हो वाइप करनी हो जिस तरह आपने ब्लैक बोर्ड को साफ़ करना है तो वाइप ऑफ कवर्ड आप यूज़ करेंगे या जिस तरह सफ़ाई हस्ती से डाइनोसॉर्स मिट गए थे तो उस वक़्त भी हम वाइप कवर्ड कर यूज़ करेंगे जिस तरह यहाँ पे मैं सेंटेंस बना लेता हूँ के दा दाइना डाइनोसॉर्स वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ भाई फिफ्टी मिलियन ईयर्स को या हंड्रेड एंड टेन मिलियन ईयर्स को के ज़मीन सफ़ाई हस्ती से या ज़मीन के ऊपर से जो डायनासोर्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए तो यहाँ पे भी हमने देखे वाइप्ड या वाइप ऑफ का वर्ड को यूज़ किया है इसके अलावा दोस्तों वाइप के वर्ड हम कंप्यूटर्स में भी कंप्यूटर्स के टर्म्स में मोबाइल डाटा के टर्म्स में यूज़ करते हैं जिस तरह मैं कहता हूँ कि यह हैकर्स ने उसका सारा डाटा अरेज़ कर दिया उसका सारा डाटा वाइप ऑफ कर दिया साफ़ कर दिया तो उस वक़्त भी हम वाइप का वर्ड यूज़ करते हैं जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि दर्स दाइप ऑफ ऑल माई डाटा के हेकर ने मेरा तमाम का तमाम हार्ड डिस्क से डाटा उड़ा दिया दर वाइप ऑफ़ ऑल माई डाटा अब देखते हैं कि वाइप को हम ऐज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं तो किसी चीज़ को साफ करने को के लिए भी हम वाइप का वर्ड यूज़ करते हैं जिससे आपने तौलिये से अपना मुंह पहुंचा तो यहाँ पे इससे वर्ब के तौर पे यूज़ किया है लेकिन अगर मैं ये कह कहता हूँ कि यार कमरे को फाइनली अच्छी तरह से साफ कर दो तो यहाँ पे मैं इसे एज अ नाउन यूज़ करूँगा आप देखते हैं कि ना एज़ अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं साफ़ करने को सफाई को जैसे मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव इट आ फ़ाइनल वाइप क्या आपने गाड़ी को चमका दिया है लेकिन इसको एक दफ़ा और चमका दें प्लीज़ गिव इट आ फाइनल वाइप तो यहाँ पे भी हमने वर्ड वाइप को देखें कि नाउन के तौर पे सफ़ाई के लिए यूज़ किया है इसके अलावा जिस कपड़े से साफ किया जाता है कमरे को जिसे हम पोछा कहते हैं उसको भी वाइप कहते हैं जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यूज़ द वाइप टू क्लीन द रूम के पोचे को इस्तेमाल करते हुए कमरे को साफ करो यूज़ द वाइप टू क्लीन द रूम दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वाइप के डिफरेंट मीनिंग एज अ वर्ब और एज अ नाउन समझ आ गए होंगे अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज़ का तो एक्सरसाइज़ के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वाइप को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसे नीचे दिए गए कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप जॉइंग गुड डे